दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर एक सेकंड में 28 लाख से ज़्यादा ईमेल्स भेज दिए जाते हैं और इनमें से 67% ईमेल्स स्पैम होते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जीमेल के 10 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसे सुनकर आपके मुंह से वाव निकलेगा और आप कहेंगे काश ये मुझे पहले से पता होते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय ब्रिगेड स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेल के जबरदस्त 10 टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये अगर आप एक ऑफिस में हैं तो आपको डेली कई सारे लोगों को ईमेल भेजने की जरूरत पड़ती होगी। अब वहां पे अलग अलग स्टाफ को अलग अलग ईमेल भेजने होते होंगे, जैसे कि अगर आपका कोई किसी एक शहर का स्टाफ है तो आपको उन सभी के ईमेल आईडी एक एक करके टाइप करने होते होंगे। अगर किसी दूसरे शहर वाले लोगों को मेल भेजना है तो उनके ईमेल आईडी का आपने एक ग्रुप बना रखा होगा, उनको भी आप एक एक करके टाइप करते होंगे और फिर उसके बाद मेल भेजते होंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबी है। एक एक करके ईमेल आईडी टाइप कीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेल लिखिए, उसके बाद भेजिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा तरीका भी है कि आप ईमेल्स के ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर टेक्नीशियंस का एक ग्रुप बना लिया और उनको एक बार में ही आपने केवल ग्रुप का नाम टाइप किया और मेल भेज दिया, तो इसके लिए आपको जाना होगा गूगल कॉन्टैक्ट में और यहाँ पर ये जो गूगल ऐप का आएगा ना, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लेबल जनरेट करना है। जैसे आपको अलग अलग ग्रुप बनाने हैं तो यहाँ पर मान लीजिए जो लेबल है वो आपके ग्रुप का नाम है, तो क्रिएट लेबल पर जाइए और यहाँ पर मैं एक लेबल बना देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप और इसके बाद इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक लेबल बन गया है कंप्यूटर ग्रुप। इसके बाद आपको जाना है क्रिएट कॉन्टैक्ट पर, यहाँ पर किसी का नाम टाइप करना है तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं राम शर्मा, उनका ईमेल आईडी डाल देते हैं। ये लेबल वाले ऑप्शन को आपको अभी फिलहाल में खाली छोड़ना है और इसके बाद इसे सेव कर देना है। इसी तरीके से एक दूसरा कॉन्टैक्ट हम बना लेते हैं और इसे भी सेव कर देते हैं। इसी तरह से आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हों आप उनको एक एक करके यहाँ पर डाल लीजिए, ईमेल आईडी के साथ में, नाम के साथ में और जो भी डिटेल हो उसके साथ में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इन सभी का आपको एक ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप के लिए आपको उनको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो आइकन मिलेगा ये है मैनेज लेबल का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका बनाया हुआ जो लेबल है वो मिल जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट आपने सेलेक्ट किए थे उन सभी पे कंप्यूटर ग्रुप नाम का जो लेबल है वो आ जाएगा। बस यहाँ पर इतना काम आपको कर देना है। इसके बाद अगर आपको नया ईमेल भेजना है किसी को तो कंपोज पे क्लिक करना है जैसे आप करते हैं और टू में आपको कंप्यूटर ग्रुप टाइप करना है। जैसे ही आप कंप्यूटर ग्रुप लिखेंगे तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर ग्रुप लेबल में जितने भी नाम डाले थे, जितने भी ईमेल आईडी डाले थे वो एक साथ में यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए मोहन गुप्ता और राम गुप्ता एक बार में ही आ गए और उनको आप बड़े आराम से मेल भेज पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर नीचे दिया गया है, अगर आप यही मेल किसी को शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल सेंड का ऑप्शन आ गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये तय कर पाएंगे कि ये जो मेल मैं आज बना रहा हूँ उसको मैं किसी भी दिन भेज सकता हूँ। टुमारो मॉर्निंग में अगर मुझे भेजना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, टुमारो आफ्टरनून में भेजना है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या मंडे मॉर्निंग में आप इसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप आज के ही दिन किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसको शेड्यूल सेंड कर सकते हैं। ऐसा करने से ये जो आपका ईमेल है ये शेड्यूल कर दिया जाएगा और आपके दिए गए टाइम पर ही भेजा जाएगा। अभी आपको दिखाई कहाँ देगा, अगर आपने एक से ज़्यादा ईमेल शेड्यूल कर दिए हैं तो आपको यहाँ पर इस जगह ये दिखाई देंगे। तो आप देखिए अभी ये जो ईमेल है ये हमने शेड्यूल कर दिया है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं शहर से बाहर होते हैं और ऑफिस के कुछ मेल्स हमारी ईमेल आईडी पर पड़े हुए हैं, बॉस का फ़ोन आया कि भाई तुम अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड दो, मुझे कुछ प्रिंट निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो गड़बड़ा जाएगी, कोई भी व्यक्ति आपकी ईमेल का पासवर्ड लेके कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जीमेल में एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी व्यक्ति को बिना अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड बनाए उसको अपनी जीमेल को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं और जब चाहे उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग के बटन पर, यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पर। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है अकाउंट और इम्पोर्ट वाले टैब पर और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट, यहाँ पर आपको ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दूसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी टाइप कर देनी है।
और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा, सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से वहाँ पर एक कन्फर्मेशन मेल भेजा जाएगा कुछ इस तरह का, और यहाँ पर अगर वो व्यक्ति आपकी ईमेल आईडी की जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर वो इसे रिजेक्ट करता है तो इस लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर उसको मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी को चेक करने का पूरा अधिकार। बस यहाँ पर क्लिक करना है और वो आपकी पूरी ईमेल आईडी को चेक कर पाएगा, आपकी ईमेल्स को पढ़ पाएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल पाएगा। अब अगर इस सेटिंग को आपको बंद करना है तो आपको दोबारा से जाना है अपनी सेटिंग में, अकाउंट एंड इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको वही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को आपने अपनी ईमेल आईडी की एक्सेस दी होगी उसकी ईमेल आईडी और नाम आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर पीछे आपको दिखाई देगा डिलीट का ऑप्शन। बस आपको डिलीट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है तो जो एक्सेस आपने दी है अकाउंट की वो ख़त्म हो जाएगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और नाम से ईमेल आईडी बना लेते हैं और हमें लगता है बाद में कि यार ये ईमेल आईडी तो हमने गलत नाम से बना ली है, अब हमें कोई प्रोफेशनल सा नाम रखना चाहिए। लेकिन समस्या ये रहती है कि आपने सभी जगह उसी ईमेल आईडी को दे रखा है, पुरानी वाली को। अब नई ईमेल आईडी अगर आप बनाएंगे तो उस पर मेल कैसे आएंगे और दोनों ईमेल आपको बार बार चेक करने पड़ेंगे। तो आपको सिंपल करना ये है, आपको पुरानी वाली ईमेल आईडी के जो मेल्स हैं वो नई पर फॉरवर्ड करा देने हैं। फॉरवर्डिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग के बटन पर और यहाँ पर आपको फॉरवर्डिंग एंड POP एंड IMAP का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्डिंग का। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको नई वाली ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। तो इससे होगा क्या कि आपके पुराने वाली ईमेल पर आने वाले सभी ईमेल्स आपकी नई ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। अब अगर आप कहीं छुट्टी पर गए हैं और पीछे से आपके इनबॉक्स में ढेर सारी ईमेल आ रहे हैं तो आप उनको कैसे बता पाएंगे कि आप छुट्टी पर हैं और लौटने पर आप उनसे ज़रूर संपर्क करेंगे? तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग के बटन पर और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहला जो टैब है जर्नल वाला वो दिखाई देगा। आप सबसे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा वैकेशन रिस्पॉन्डर का ऑप्शन। अभी ये ऑफ है, यहाँ से इसे ऑन कर दीजिए और आप कब से कब तक वैकेशन पर रहेंगे यानी छुट्टी पर रहेंगे वो आप डेट यहाँ पर डाल दीजिए। तो मान लीजिए 30 से और लास्ट डेट आप 7 मई को वापस आ जाएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप कर दीजिए जैसे ईमेल करने के लिए धन्यवाद, और इसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि हमें ईमेल करने के लिए धन्यवाद, हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे, और इसे यहाँ से सेव कर दीजिए। अब होगा क्या कि 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में जितने भी ईमेल आपके पास आएंगे उन सभी को एक ऑटो रिप्लाई भेजा जाएगा और वहाँ पर यही मैसेज लिखा होगा। अब अगर आप छुट्टियों से लौट आए हैं तो सिंपल यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए और यहाँ से इसे सेव कर दीजिए। आपके मेल बॉक्स में कई सारे लेबल बने हुए हैं, कैटेगरी दी गई हैं जैसे प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस, अपडेट और फॉर्म्स। इनमें अलग अलग प्रकार के मेल अपने आप कैटेगरी वाइज टैब के अनुसार आते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी खास मेल को खास कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं तो उसको ले जाना बहुत आसान है। मान लीजिए मेरे पास ये फ्लिपकार्ट का एक मैसेज आया है और मैं चाहता हूँ फ्लिपकार्ट से आने वाले सारे मैसेज मुझे प्राइमरी टैब में दिखाई देते रहें, तो इसके लिए मुझे कुछ खास नहीं करना है। इस मेल को आप सिंपली माउस से क्लिक करेंगे, जब आप माउस से इस मेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक हाथ का निशान दिखाई देगा, बस आप इसे पकड़ के और जिस भी टैब में ले जाना चाहते हैं उस टैब में ले जाकर उसको छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो फ्लिपकार्ट का जो मैसेज था, जो मेल था, वो यहाँ से हट गया है और ये जो मेल है ये प्राइमरी मेल बॉक्स में पहुँच गया है। अब आगे भी ये मेल हमेशा मेरे प्राइमरी इनबॉक्स में मुझे दिखाई देता रहेगा। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मेल है जिसे आप प्राइमरी इनबॉक्स के अलावा सोशल या प्रमोशन कैटेगरी में देखना चाहते हैं तो आप उसे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप उस पर राइट क्लिक करके भी मूव टू टैब वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ट्विटर पर आने वाले जो मेल हैं, यहाँ पर ये मेल मुझे मेरे प्राइमरी सेक्शन में चाहिए तो यहाँ से मैं उसको क्लिक कर सकता हूँ। आप देखिए तो यहाँ से ये मेल भी मेरे अब प्राइमरी टैब में दिखाई देने लग जाएगा। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मेल है तो आप उसे वहाँ कर सकते हैं। कभी कभी हम मेल किसी और को भेज रहे होते हैं और चला किसी और के पास जाता है, ऐसी गलतियाँ अक्सर कर कई लोगों के साथ में होती हैं, लेकिन जीमेल में एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप भेजे गए मेल को भी वापस ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये कैसे करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में और सेटिंग में आपको दिखाई देगी यहाँ पर जनरल टैब। जनरल टैब में आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अंडू सेंड का,
यहाँ पर आप अनेबल अंडू सेंड पर टिक कर दीजिए, और जितना टाइम आप अंडू के लिए चाहते हैं आप मैक्सिमम टाइम लगाइए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, तो हम यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम लगा लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे नीचे आपको सेव चेंज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेव कर दीजिए। अब हम कोई एक मेल बना के देखते हैं जो हमें नहीं भेजना था, तो यहाँ पर बनाते हैं हम एक मेल और उसको सेंड कर देते हैं। सेंड करेंगे जब आप मेल को, तो आप यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, योर मैसेज हैज बीन सेंड। अगर आप इस मैसेज को वापस लेना चाहते हैं तो तुरंत अंडू पर टिक कर दीजिए, तो आपका जो मैसेज है वो वापस आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर, और आप उसमें ज़रूरी एडिट करके उसे दोबारा ठीक करके भेज सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस ईमेल आईडी पर आने वाली आपकी मेल साथ के साथ दूसरी ईमेल आईडी पर भी चली जाए, ताकि आराम से आप उसे चेक कर सकें। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल एक काम करना है, आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर आपको यहाँ पर दिखाई देगी फॉरवर्डिंग टैब, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर फॉरवर्डिंग ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक बटन, इस बटन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जिस पर आप आपकी ये जो प्राइमरी ईमेल है उस पर आने वाले मेल्स को आप पाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर वो ईमेल आईडी डाल देते हैं, और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर उसे वो कंफर्म करने के लिए कहेगा, आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब आपके इस ईमेल आईडी पर आने वाले सारे मेल्स आपने जो फॉरवर्डिंग आईडी लगाई है वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। अक्सर आप करते क्या हैं कि आपको अगर सारी मेल्स चेक करनी है तो आप एक एक करके उन मेल्स को खोल के देखते हैं। जैसे ये मेल मैंने यहाँ पर खोला, अगर इसके बाद मुझे दूसरा मेल चेक करना है तो बैक जाना होगा, और बैक जाने के बाद आप तब दूसरा जो मेल है उसे चेक कर पाएंगे, या फिर इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे और टैब पर जाएंगे और तब दूसरा मेल आप चेक करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसके लिए आप प्रीव्यू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और कूल फीचर है। इसके लिए आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पर एक लैब का ऑप्शन दिखाई देगा, इस लैब पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसको स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रीव्यू पेन, इसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद आप इसे सेव कर लीजिए। जब आप इस ऑप्शन को सेव करेंगे तो आपका जो जीमेल है वो रिफ़्रेश होगा, और रिफ़्रेश होने के बाद आपको यहाँ पर एक नया आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, नो स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजेंटल स्प्लिट। तो आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें उसे कर लीजिए, वैसे वर्टिकल ज़्यादा बेटर रहता है, तो वर्टिकल पर आप क्लिक कीजिए। अब किसी भी टैब पर जाइए जिस टैब के मेल आपको चेक करने हैं, आप मेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू आपको तुरंत यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यानी मेल को बिना खोले भी आप बड़े आराम से उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, किसी भी मेल को पढ़ने के लिए आपको मेल को खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी हाँ, जीमेल में मेल भेजने के लिए शॉर्टकट्स दिए गए होते हैं, आपको माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल कीबोर्ड की मदद से ही अपना मेल सेंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं ये कैसे इनेबल होते हैं। जी हाँ, आमतौर पर जीमेल की तरफ से कीबोर्ड शॉर्टकट्स को डिसेबल किया गया होता है, यानी कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके जीमेल पर तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप उन्हें अनेबल ना कर दें। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स को अनेबल कैसे करते हैं, सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना होगा जनरल टैब में, और जनरल टैब में आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पर अभी ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ये ऑफ है, आप इसको ऑन कर लीजिए, और ऑन करने के बाद सेव कर दीजिए। जब आप इसे सेव करेंगे तो आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स अनेबल हो जाएंगे। अब आपको मैं दो कीबोर्ड शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, और बाकी सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिखाई दे जाएगी। पहला शॉर्टकट है आपको सी, जब आप दबाएंगे केवल सी दबाने से ही आप नया मैसेज बनाने लग जाएंगे, यानी कि आपको जब नई मेल बनानी हो तो आपको कीबोर्ड से केवल सी बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए कोई भी, और कंट्रोल और एंटर का बटन जब आप दबाएंगे तो कंट्रोल एंटर के बटन का मतलब है ये ईमेल सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल एंटर हम दबा के देखते हैं तो ये मेल सेंड हो गया है, हमारा अंडू का ऑप्शन लगा हुआ है, तो ये फ़ायदा है, हम इसे अंडू कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है,
इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।